हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का खास महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य किया जाए तो इसका कई गुना फल भी मिलता है। बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, साथ ही व्रत करने का भी विधान होता है। इस दिन अगर जातक राशि अनुसार कुछ चीजों का दान करे तो साल भर लड्डू गोपाल की कृपा बरसती है। इसकी पूरी जानकारी हमें उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से मिली है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर 12 राशियों के जातकों को किन किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। मेष राशि वाले व्यक्ति को गुड़ और गेहूं दान करना चाहिए। इसमें इसके दान करने से, यह उपाय करने से व्यक्ति को का अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है तथा आप कार्य में आ रही बाधा दूर होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है, अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। यही वृषभ राशि की के जातकों को जन्माष्टमी के दिन चीनी माखन तथा मिश्री का दान करना चाहिए। इसके दान करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कुशल मंगल रहता है तथा उसे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को अन्न का दान करना चाहिए। इस उपाय करने से लाभ प्राप्ति होती है। कर्क राशि वाले जातकों को दूध का तथा मिष्ठान का तथा चावल का दान करना चाहिए। ये राशि वाले जातकों को गुड़ तथा मसूर की दाल का, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। राशि वाले व्यक्ति जातकों को गो को ग्रास डालना चाहिए। और तुला राशि वाले व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। राशि वाले को गेहूं, गुड़ और शहद का दान करना चाहिए। जातकों को धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। वालों के लिए नीले वस्त्र का दान करना चाहिए। राशि वाले जातकों को जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान करना चाहिए। वाले व्यक्ति को जल का दान करना चाहिए। तो आपने जाना कि आपकी राशि के अनुसार क्या क्या दान करना सही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इन बातों का पूरा ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।